आज आपको हम सीधे रूबरू करा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध ईएनटी स्पेशलिस्ट और झुंझुनू के पूर्व विधायक डॉक्टर मूल सिंह शेखावत से। हम अपने पाठकों के लिए उन्होंने उनसे आज ये विशेष तौर पर मुलाकात रखी है। हम उनसे जानेंगे कि नाक कान गला रोग से संबंधित किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आम जन इनसे ग्रसित नहीं हो। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि आम जन को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ईएनटी से संबंधित कोई रोग न हो। आज के समय में बहुत से रोगी आते हैं जिनको सुनने संबंधी असामान्य स्थिति उन लोगों में पाई जाती है। सबसे बड़ी बात जो ध्वनि प्रदूषण है, हर तरह का ध्वनि प्रदूषण, चाहे मोटर गाड़ियों का हो और अन्य शोर शराबे, और इसके साथ सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषण जो डीजे संगीत माध्यम है उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो सुनने की क्षमता है आदमी की वो 40 से 60 डेसिबल के बीच यदि आवाज आती है तो वो सामान्य आवाज है, सुनता है, और डीजे जो साउंड है उसमें 80, 100 और 120 से जो 160 डेसिबल तक जो कि कानों को फाड़ देती है, और उसके कारण जो कान के तीन हिस्से होते हैं, एक तो बाहर का कान जो हमारी कान की नली है उसमें कोई मैल वगैरह हो, उसके बाद बीच का कान जिसमें पर्दा वगैरह है, और तीसरा कान जो भीतरी कान होता है वो मस्तिष्क के नीचे होता है जिसमें बहुत ही बारीक तंतु होते हैं, और वो तंतु है वही संवेदनशील होते हैं ध्वनि के प्रति। तो जो डीजे साउंड है उसकी तीव्रता उन तंतुओं को नष्ट कर देती है, और करीब करीब हर गांव जहां पर भी डीजे बजता है तो करीब एक आदमी कान की समस्या लेकर मेरे पास भी आता है। इसमें करीब करीब कान का बहरापन, स्थायी रूप से बहरापन होने की समस्या ध्वनि प्रदूषण के कारण पाई गई है। लोगों से यही अनुरोध है कि जो डीजे साउंड है इससे जितना दूर रह सके, या इसका कोई अन्य कोई विधान हो इसकी जगह, पहले जैसे बैंड बाजे थे या दूसरा संगीत था उसको काम में लेवे, और इसके साथ जो ये हृदय की धड़कन भी पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। कई बार मौके देखे गए हैं जिनमें लोग नाचते नाचते उनकी मौत हो गई है। जो भारी जो आवाज़ होती है वो हृदय पर आघात करती है और हृदयघात भी आवाज़ बंद करती है। तो मेरा यही है कि जो डीजे का प्रयोग है उसको यदि बंद करने का समाज निर्णय ले, या उसको बजाए तो भी कोई बहुत कम आवाज पर बजाए। यही मेरा जनता से अनुरोध है कि वो कानों की सुरक्षा के लिए, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ये उनको सलाह। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही वैल्यूबल आइडियाज और सजेशंस दिए। मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रशासन को इसके लिए बहुत अधिक जागरूक नहीं होना चाहिए? भारती भाई, जो ध्वनि प्रदूषण है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ भी जो मंदिरों के जो बदनों की आवाज और अजान वगैरह के लिए, इनके लिए एक एक निश्चित वो मापदंड कर रखे हैं कि इस मापदंड से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो डीजे है उस पर भी यदि वो मापदंड लागू किया जाए और इस मापदंड को सिर्फ ये प्रशासन ही लागू कर सकता है, प्रशासन और पुलिस के बिना ये न हमारी जनता मानती है न डीजे बजाने वाले मानते हैं। तो जो मापदंड मंदिरों के लाउडस्पीकर पर या मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर किए गए हैं वही मापदंड ध्वनि प्रदूषण के मामले में डीजे पर भी लागू किए जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे सुझाव और समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से बताए। आशा है कि प्रशासन भी आपके इन सुझावों पर
ध्यान देगा और डीजे जो आम आदमी को बीमार कर रहा है उस पर कुछ अंकुश लगेगा। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, पुनः पुनः आभार।